जय श्री स्वामीनारायण। सोशल साइंस स्टैंडर्ड 6, स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 6, वेलकम इन माय लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज हम आपको चैप्टर नंबर 10 डिजास्टर मैनेजमेंट की बात बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज डिजास्टर। डिजास्टर का मतलब होता क्या है? तो ए डिजास्टर इज अ सडन कैलेमिटी, अचानक से आ जाने वाली आपदा। आपदा शब्द होता है, अचानक से प्रोड्यूस होती है, विच कॉजेज ग्रेट डैमेज, जिसकी वजह से बहुत बड़ा भारी नुकसान होता है, लॉस, डिस्ट्रक्शन एंड डिवास्टेशन ऑफ द लाइफ, जन धन की हानि होती है, प्रॉस एंड प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। द डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द वर्ड्स, द मीनिंग ऑफ द डिजास्टर। द डिजास्टर इज ए सडन कैलेमिटी विच कॉजेज ग्रेट डैमेज। ये अचानक से होने वाली एक ऐसी आपदा है जिसकी वजह से ग्रेट डैमेज, बहुत बड़ा नुकसान होता है, लॉस होता है, डिस्ट्रक्शन, तबाही हो जाती है, और डिवास्टेशन ऑफ लाइफ, कई जीवन तबाह हो जाते हैं, और प्रॉपर्टी का भी नाश हो जाता है। सच कैलेमिटीज अकर सडनली, ऐसी जो कैलेमिटी होती है वो अचानक से होती हैं, एंड डिस्टर्ब द नॉर्मल लाइफ, और हमारा जो नॉर्मल जीवन होता है, जो रेगुलर जो चलता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, लोगों का जो जीवन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो सच कैलेमिटीज अकर सडनली एंड डिस्टर्ब नॉर्मल लाइफ ऑफ द पीपल, जो जीवन, सामान्य जीवन जो चल रहा है वो बेकार हो जाता है। द डियर स्टूडेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजास्टर, क्या मीनिंग होता है डिजास्टर का, आपका यह क्वेश्चन है, आंसर्स की उसके साथ आपको एक्सप्लेन किया है। अब डिजास्टर आर टू टाइप्स, देर आर टू टाइप्स ऑफ डिजास्टर, दो तरह के होते हैं, एक तो नेचुरल डिजास्टर और सेकंड वन है मैन मेड। नेचुरल जो प्राकृतिक रूप की वजह से, प्रकृति की वजह से होता है, मैन मेड उसमें ह्यूमन रेस्पॉन्सिबल होता है। अब नेचुरल के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो देखिए, जिसमें फ्लड है, अर्थक्वेक है, साइक्लोन है, ड्रॉट है, सुनामी है, वॉल्केनो, और इसके अतिरिक्त यहाँ पे फॉरेस्ट फायर, दीज ऑल आर द नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर ऑल्सो इन क्लासिफाइड इन टू टू पार्ट्स, कैन बी फोरकास्टेड, फोरकास्टेड का मतलब जिसकी भविष्यवाणी पहले कर सकते हैं, और कैन नॉट बी फोरकास्टेड, जिसकी हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते, मतलब पहले से कोई आगाही नहीं कर सकते हैं, जिसको हम पहले से आगाही कर सकते हैं, और जिसका हम पहले से आगाही नहीं कर सकते हैं, पहले से आगाही नहीं कर सकते, इस तरह दो प्रकार के होते हैं, कैन बी फोरकास्टेड एंड कैन नॉट बी फोरकास्टेड, है ना, जिसे पूर्व अनुमान या पूर्व आगाही करने वाले, और जिनको हम आगाही पूर्व में आगाही नहीं कर सकते हैं। अब पूर्व आगाही में जैसे फ्लड, बाढ़ आने की संभावना हम कुछ समय पहले कह सकते हैं, अगर बहुत ही ज़्यादा हैवी रेन हो रही है, साइक्लोन है, ड्रॉट है और सुनामी, इनकी हम पहले फोरकास्टिंग कर सकते हैं, जबकि अर्थक्वेक है, वॉल्केनो है, फॉरेस्ट फायर है, उसमें हमें, हम नहीं कर सकते। दूसरे प्रकार का हमारा है यहाँ मेन मेड, जो ह्यूमन बींग की केयरलेसनेस की वजह से जो होता है, जिसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं, जिसके अंतर्गत इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स हैं, वॉर है, रायोट्स है, बॉम्ब ब्लास्ट है, फायर भी कई बार क्या होता है, फायर मेन मेन डिजास्टर है, ठीक है, मेन मेन वजह की वजह से ही कई बार होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ फ्लड के बारे में पढ़ेंगे। फ्लड अकर्स व्हेन द रिवर वाटर ओवरफ्लोज इन बैंक, जब ओवरफ्लो होता है पानी और रिवर का, और शहरों के अंदर गाँव में जब आ जाता है, तो दैट इज कॉल्ड फ्लड। साइक्लोन का मतलब होता है व्हेन द सीवियर विंड ब्लो ऑन द हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में जो बहुत तेज गति से हवा बहती है,
प्रेशर एरिया, विंड ब्रिंग हैवी रेनफॉल, और ये जो हवाएं अपने साथ बारिश लेकर के आती है, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड साइक्लोन। ऐसी सिचुएशन को हम साइक्लोन कहते हैं। व्हेन द सीवियर विंड ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर, जब बहुत ही तेज गति से हाई प्रेशर प्रेशर हवाएं बहती हैं, विंड ब्लोज हवाएं बहती हैं लो प्रेशर वाले एरिया में और अपने साथ में हैवी ब्रिंग हैवी रेनफॉल लेके आता है, दिस इज सिचुएशन इज कॉल्ड साइक्लोन। नेक्स्ट में है ड्रट, द सिचुएशन व्हेन देयर इज नो रेनफॉल और लेस रेनफॉल इज कॉल्ड ड्रट। जहाँ सूखा क्षेत्र हो, जहाँ पे कई बार समय से बारिश नहीं गिरी हो या बहुत कम हो, उसे हम ड्रट बोलते हैं। सुनामी, व्हेन देयर इज अर्थक्वेक, जब अर्थक्वेक समुद्र के अंदर आता है, सी और ओशन के अंदर आता है, और इफ द वोल्केनो इरप्ट्स द टाइड्स राइट, और उसकी वजह से पानी के अंदर ज्वार आता है, मतलब पानी की हाई वेव्स प्रोड्यूस होती हैं और दैट इज कॉल्ड सुनामी। सुनामी है ना, पानी के अंदर मतलब समुद्र के अंदर कई बार क्या होता है, वोल्केनो या अर्थक्वेक, और उसकी वजह से पानी जो है वो जमीन की ओर आता है और उससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। अर्थक्वेक, भूकंप शब्द जो आपको है पृथ्वी का हिलना। व्हेन प्लेट्स ऑफ द अर्थ क्रिएट ट्रेमर्स फ्रॉम इनसाइड एंड अपर लेयर्स ऑफ द अर्थ ट्रेम्बल, देखो यहाँ कई बार इंटरनल जो एक्टिविटीज होती हैं, गतिविधि होती है, वो पृथ्वी के अंदर परिवर्तन आती है, उसकी वजह से ऊपर की जो प्लेट हिलती है, दैट इज कॉल्ड अर्थक्वेक। फिर वॉल्केनिक इरप्शन टेक प्लेस, वॉल्केनो किसके कह देते हैं, तो देखो वॉल्केनिक इरप्शन टेक प्लेस व्हेन लावा स्टोन अलोंग विद द फ्यूम्स एरप्ट सडनली एंड ग्रेजुअली विद इन द अर्थ थ्रू द क्रिएटर ऑफ हिल एंड माउंटेन। कई बार हमारे देखिए अर्थ के अंदर इस भी एवरीवन नो, ठीक है, वॉल्केनो किसे कहते हैं, बराबर से ध्यान रखना, ये वॉल्केनो इट मीन्स कई बार अर्थ के जो इंटीरियर पार्ट में देयर इज ए हीट और ये पानी हमारा अंदर खिसता जाता है और ड्यू टू स्टीम इसके अंदर भाप बनती है और ये भाप जब ओवर प्रेशर होता है तो अर्थ के ऊपर के भाग में फैल जाता है, दैट इज कॉल्ड वॉल्केनो। ये जो लावा जो निकलता है गरम गरम, यह कई बार नुकसान कर देता है ना, तो ये लावा जो अर्थ के ऊपर आता है वो दैट इज कॉल्ड वॉल्केनो, उसे हम वॉल्केनो कहते हैं। या ये टेक प्लेस व्हेन लावा, देखो वॉल्केनो ये जो जमीन के अंदर से क्या क्या होता है, देखो स्टोन्स आते हैं, लावा आता है, अलोंग विद फ्यूम्स कई बार ऐसे गरम गरम इरप्ट्स जो गर्म निकलते हैं, सडनली ग्रेजुअली फ्रॉम विच अर्थ थ्रू द एक क्रेटर ऑन द हिल और माउंटेन। ये क्रेटर मतलब जो ऊपर का जो भाग ओपन करके यहाँ निकलते हैं, कई बार माउंटेनियस रीजन में भी होता है, तो इस तरह जो लावा वगैरह निकलता है, ये पूरा इस पूरे प्रोसेस को हम वॉल्केनोस कहते हैं। फॉरेस्ट फायर, व्हेन द ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट कैच फायर ड्यू टू एनी रीजन इट्स कॉल्ड फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर का मतलब होता है जंगलों के अंदर आग लगना, है ना, जंगलों में कई बार क्या होता है, कई कारण हो सकते हैं जिसकी आपस में स्ट्राइकिंग, उनकी जो ट्विक्स होती है वो आपस में ट्रिक्स आपस में टकराती है, कई बार गर्मी की वजह से, और इसकी वजह से यहाँ आग जल जाती है और जंगलों में दैट इज कॉल्ड फॉरेस्ट फायर। फायर एनीथिंग एट होम वर्क प्लेस, कई बार शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग जल जाती है तो दैट इज कॉल्ड फायर। इसमें ह्यूमन की वजह से भी हो सकता है और कई बार नेचुरल भी होता है, शॉर्ट सर्किट और एक्सीडेंट की वजह से। फिर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट होता है, जब इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट अकर ड्यू टू द पॉइजनियस केमिकल गैसेस, इम्प्रॉपर केयरलेस वे होने की वजह से, मशीनरी कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं, इनसफिशिएंट सिक्योरिटी सिस्टम की होने की वजह से, स्पिल लिक्विड केमिकल एंड लीकेज ऑफ गैस। तो देखिए एक्सीडेंट, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट ध्यान रखने का कि कई बार मशीन का टूटना, मशीन के अंदर केयरलेसनेस वजह की वजह से नुकसान हो जाना, कई बार टूट जाना, इसके बाद में गैस का लीकेज हो जाना, कई बार ऐसे गैसेस वगैरह का यूज़ करते हैं और उसका केयरलेसनेस वजह की वजह से ना होता, उसके अंदर भी कभी कई शॉर्ट सर्किट्स हो जाते हैं,
तो केमिकल कई बार स्पिल हो जाता, फैल जाता है, तो इससे बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं जिसमें कई हजार, कई संख्या में लोगों की डेथ भी हो जाती है। इसे हम लोग इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट कहते हैं। वॉर, युद्ध आप जानते हो, वॉर स्पॉट बिटवीन नेशन ड्यू टू द पॉलिटिकल डिस्प्यूट होने की वजह से कई बार युद्ध होते हैं एक देश से दूसरे देश के, अपने सेल्फ मोटिव्स के लिए। एंड ग्रीड एंड वॉरिंग ग्रुप नियर द बॉर्डर एरियाज ऑफ कंट्री, हमारे बॉर्डर एरिया जो दूसरे कंट्री के होते हैं एक दूसरे में हमेशा युद्ध होते हैं, उससे भी जन धन की हानि होती है। रायोट्स टेक प्लेस बिटवीन द पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन, रायोट्स होता है दंगे जो होते हैं, वो एक धर्म दूसरे धर्म के बीच में अपने अपने थिंग्स, अपने विश प्रिंसिपल के लिए लड़ाइयाँ होती रहती हैं, और उससे भी हमारे लाइफ को डिस्टर्ब कर देती है, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचता है। बॉम्ब ब्लास्ट है, बॉम्ब ब्लास्ट ड्यूरिंग द वॉर, युद्ध के समय में, इवन ड्यूरिंग द पीसफुल टाइम में भी होता है ना, कोज स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन, और उसकी वजह से बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है, अलॉन्ग विद द थ्रेटिंग एंड टेररिजिंग द कॉमन पीपल, कॉमन लोगों को डराने के लिए आप लोग टेररिस्ट के द्वारा भी बॉम्ब ब्लास्ट किया जाता है। इसके अतिरिक्त युद्ध के समय में उससे भी हमारी जनधन की हानि होती है। तो इस तरह हमने कुछ यहाँ डिजास्टर्स के बारे में स्टडी की, तो वी हैव ऑल्सो डिस्कस हियर अबाउट द, और नेक्स्ट में हम लोग इफेक्ट्स जो है हमारे इसके वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, जय श्री स्वामीनारायण। डियर स्टूडेंट, राइट द नोट्स दिस फॉलोइंग टॉपिक, इन टॉपिक्स के ऊपर आप